हेलो डियर स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन जेई का एक बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन। फाइंड द एक्सिलरेशन ऑफ द ब्लॉक टू ब्लॉक्स द सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट एंड फ्रिक्शन ऑफ कॉफिशेंट आर एज शोन द फिगर। ये फिगर दे रखा है और इसमें एक्सिलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स पूछ रहा है। देखो, ऐसे क्वेश्चन को करना है यहाँ पे। देखो, ये सरफेस स्मूथ है और इन दोनों ब्लॉक के बिटवीन कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें कितना मैक्सिमम फोर्स तक, इस पर ये जो कैपिटल एफ लगाया है ना, ये 101 न्यूटन लगाया है, लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कितने मैक्सिमम फोर्स तक ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। तो सबसे पहले कितने मैक्सिमम फोर्स तक ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे वो फोर्स निकालना पड़ेगा, है ना। तब इसके एग्जिशन के बारे में मालूम पड़ेगा कि दोनों ब्लॉकों का एग्जिशन क्या है। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, मैक्सिमम फोर्स को फाइंड आउट करने के कुछ स्टेप हैं, जिसे मैं पिछले 3 वीडियो में भी कई बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं हर वीडियो में बताना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ये दूसरी वीडियो है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो देखो, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, तो इसके स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। एक बार इसके स्टेप्स को अच्छी तरह समझो, थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है, लेकिन एक बात समझ में आए तो बहुत शॉर्ट में भी कर सकते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, पर मैं आपको ये लिख के ही दिखाऊंगा जिससे आपको क्लियरली समझ में आए और आप इसे नोट कर सकें। चलिए, सबसे पहले ये देखो कि कौन सा ब्लॉक केवल फ्रिक्शन से ही चल सकता है। तो आंसर है इसका, तो देखो इस पे तो फोर्स लग रहा है, तो ये वाला अगर चलेगा साथ साथ तो केवल फ्रिक्शन से चल सकता है, तो ब्लॉक बी केवल फ्रिक्शन से ही चल सकता। स्टेप नंबर 2, दोनों सरफेस के बिटवीन, दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के बिटवीन, दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करो। स्टेप नंबर 3, जो ब्लॉक पहले फ्रिक्शन निकाल लें, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लें पहले। तो दोस्त सोचो, पहले इन दोनों के बिटवीन देख रहे हैं, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें डार्सन शो करना, है ना। देखो, अगर इस ब्लॉक पर फोर्स आगे चल रहा है तो इस पर बैठकर इसको देखें। अगर इस पर बैठकर हम इसको देखेंगे तो ये, अगर ये ब्लॉक आगे चल रहा होगा क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है, तो ये आगे चल रहा होगा, तो ये पीछे इस पर बैठ के जब इसको देखेंगे तो ये पीछे छूट रहा होगा। जब ये ब्लॉक पर आप बैठ जाओगे और ये ब्लॉक आगे चल रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में बी वाला किधर भाग रहा होगा, पीछे की तरफ छूट रहा होगा। तो फ्रिक्शन, इसमें जो रिलेटिव मोशन है वो पीछे की तरफ है और पीछे की तरफ है, तो साथ बनाए रखने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस पर फोर्स आगे तरफ लगाएगा। ये पीछे तरफ छूट रहा होगा तो इसके रिलेटिव मोशन में, इसमें रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी या रिलेटिव मोशन इधर की तरफ होगा, इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ होगा इस जगह पर, और बी पर बैठ के जब ए को देखें तो बी पर बैठ के ए को देखेंगे तो ए आगे भाग रहा होगा, तो इसमें रिलेटिव मोशन आगे की तरफ होगा बी के रेस्पेक्ट में। और बी के रेस्पेक्ट में अगर इसमें ए में ब्लॉक में रिलेटिव मोशन आगे की तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ होगा।
इसीलिए अगर डायग्राम बना ले हम इसका, ब्लॉक ए को दिखा दे, ये ब्लॉक ए है, 8 10 kg है, इस पर फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा है, और इसमें यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स ऐसे हुआ F1, है ना। और ब्लॉक बी की बात करें तो ये ब्लॉक बी हो गया, इस पर 10 kg, इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ हो गया F1। और ये एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं हमेशा, दो कॉन्टेक्ट सर्विस के बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर होता है ऐसे। चलिए बहुत अच्छी बात, तो ये F1 हो गया, ये भी F1 हो गया। अब बताओ ये F1 किसके बिटवीन है, और ये देखो यहाँ पे तो सरफेस स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है, तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन 0 ही होगा 100%। F2 लिख देता हूँ, 0। तो फ्रिक्शन जो है, अगर इसको वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये फ्रिक्शन जो है क्या लिखें, फ्रिक्शन F1 ब्लॉक के ब्लॉक ए एंड बी के बिटवीन है, तो नॉर्मल फोर्स भी कॉन्टैक्ट सरफेस ए एंड बी के बिटवीन ही लेंगे, इसीलिए यहाँ इस पर ये 10G हो गया और नॉर्मल एक्शन ये हो गया, क्योंकि यही तो ऊपर है, तो ये N1, तो N1 की वैल्यू जो हो गई वो 10G, सो F1 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई μN1, क्योंकि यहाँ पर म्यू है, देखो म्यू की वैल्यू 0.5, 0.5 × 100, दैट मीन्स 50 न्यूटन। अब कौन सा ब्लॉक केवल फ्रिक्शन से चल सकता है ना, कौन सा ब्लॉक केवल फ्रिक्शन से चल सकता है उसको देखिए। तो यहाँ पर कौन सा ब्लॉक केवल फ्रिक्शन से चल सकता है, तो देखो ये वाला ब्लॉक जो है वो केवल फ्रिक्शन से चल सकता है, ये वाला ब्लॉक, अगर ये वाला ब्लॉक केवल फ्रिक्शन से चल सकता है तो हम इस पर नेट फोर्स निकाल लेंगे, है ना। लिखेंगे नेट फोर्स ऑन ब्लॉक बी, तो देखो यहाँ पे तो प्रश्न है नहीं और यहाँ पे है, तो ये नेट फोर्स हो गया F1, और 10A मैक्सिमम। एक चीज़ और लिख ले पहले, यहाँ पे एक चीज़ क्या लिखें ज़रा वो देखें, है ना, वो लिखें हम स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 कि वो स्टेप 3 क्या है, एक सेकेंड बेटा, वो स्टेप 3 है कि जो ब्लॉक केवल फ्रिक्शन से चल सकता है, फ्रिक्शन से ही चल सकता है, उस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्जिलरेशन फाइंड करो। ये स्टेप नंबर 3 चल रहा है ना, तो ब्लॉक बी यहाँ पे है आंसर, ब्लॉक बी है वो, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे, दोनों ब्लॉक बी केवल फ्रिक्शन से ही चल सकता है ये लिख रहा है, इसीलिए इसका मैक्सिमम एक्शन निकाल लें, ए मैक्सिमम, तो 10A मैक्सिमम इज इक्वल टू F1 कितना है, 50, तो ए मैक्सिमम आ गया 5 m/s². स्टेप नंबर 4, अब स्टेप नंबर 4 देख लें, ठीक, क्या लिखें, ब्लॉक ए एंड बी को साथ साथ मूव टुगेदर
चलाना ही। तो होल सिस्टम सिस्टम बनेगा ए एंड बी का मैक्सिमम एक्जिलरेशन ए मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए चाहिए ठीक। और दोनों ब्लॉक यदि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं साथ साथ चल रहे हैं तो होल सिस्टम का जो मास होगा वो 10 kg प्लस 10 इज इक्वल टू 20 kg होगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। साथ साथ चल रहे हैं ना भाई, तो अगले पेज पे देखें इसको। यहाँ तक आ गए तो पूरे को एक सिस्टम मान लें, देखो ऐसे, और इस पे फोर्स लग रहा है एफ मैक्सिमम, साथ साथ चल रहे ना, इसको पूरे को सिस्टम मान लिया, सिस्टम ये ऐसे कर लो। टोटल मास तो कितना है आपका, 20 kg है, और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, एफ टू जीरो है, ये ए मैक्सिमम से चल रहा है। तो नेट फोर्स ऑन होल सिस्टम वो है एफ मैक्स, और नेट फोर्स है इसलिए 20, ए मैक्सिमम बराबर आपका एफ मैक्स, और 20 ए मैक्सिमम कितना आया, निकल के आया बेटा हमारा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए की वैल्यू आई है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर एफ मैक्स, एफ मैक्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन। इसका मतलब है कि इसीलिए 100 न्यूटन फोर्स, दैट मीन्स अप्लाइड फोर्स तक ही दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव टुगेदर चलेंगे, है ना, दैट मीन्स 0 से बड़ा और इक्वल और 100 से छोटा तब तक साथ साथ चलेंगे, मूव टुगेदर मूव। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ जो दे रखा है वो 101 न्यूटन है, दैट इज एफ ग्रेटर देन 101 न्यूटन, 100 न्यूटन, सॉरी, एफ ग्रेटर देन 100 न्यूटन। तो दोनों ब्लॉक अलग अलग सेपरेटली मूव करेंगे, और सेपरेटली मूव करे तो जरा समझो क्या डायग्राम था हमारा, यही तो था, सेपरेटली मूव करेंगे क्योंकि एफ जो है कितने से बड़ा है, 101 न्यूटन है, 100 से बड़ा है ना, 100 तक साथ चलते, लेकिन अब अलग अलग चल रहे हैं। तो देखो जो तुमने डायग्राम बनाया था ना ब्लॉक ए का, ये ब्लॉक ए है, इस पर फोर्स लग रहा था आपका 101 न्यूटन, और इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था एबन 50 न्यूटन। अलग अलग चल रहे हैं इसीलिए इसका एक्सीलरेशन अलग होगा, इसीलिए दोनों का एक्सीलरेशन डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। तो ये ब्लॉक ए का है 10, है ना, 10 kg है ये। तो देखो इस पर फोर्स लगाया है, तो लगाया था ये एफ है, ये एफ वन है, और ये चल रहा है ए वन एक्सीलरेशन से,
तो ब्लॉक ए का ये है, तो नेट फोर्स निकाल लो, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ए 101 माइनस 50 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 10A1 इज इक्वल टू 51। तो A1 आ जाएगा कितना, 5.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ये तो एक्सीजन आ गया ए ब्लॉक का। एंड ब्लॉक बी की बात करें है ना, और एक काइनेटिक फ्रिक्शन होगा फिर यहाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन चल रहा है ना, अब सेपरेटली हो गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन। इसमें एक्शन आएगा A2 और ये आएगा इस फोर्स की वजह से F1। ये F1 ही था और इसकी वैल्यू 50 न्यूटन थी, और ये बी ब्लॉक था, इसका मास 10 kg था। ये देखो F1 F2 जीरो है, F2 जीरो है, यहाँ ये सरफेस है आपका, F2 जीरो है। तो इस पर नेट फोर्स ऑन ब्लॉक बी, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक बी वो F1, और ये आपका कितना 10A2, 10A2 बराबर 50, तो A2 बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसीलिए A1 इज ग्रेटर देन A2। ये एक्जिलरेशन है, और ब्लॉक कौन सा वाला ए, और ये एक्जिलरेशन है और ब्लॉक बी। ठीक, तो देखो आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए इसके ऊपर है ना। इसकी जो लैंग्वेज है जो मैंने लिखी है ना, उस लैंग्वेज को समझिए अच्छे तरीके से, और वो एक सेम होती है सब क्वेश्चनों में लगभग है ना, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा तो वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगा आपको समझ में। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।